खबर फिरोजाबाद से है। जनपद फिरोजाबाद में शादी से पहले वरपक्ष द्वारा दहेज में कार मांगे जाने से आहत युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों के मुताबिक वरपक्ष द्वारा कभी स्कूटी तो कभी कार की डिमांड की जा रही है। ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार दहेज की मांग किए जाने से आहत युवती ने आत्मघाती कदम भी उठाया है। पूरा मामला हम आपको थाना क्षेत्र के सत्यनगर टापा कला का बता रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले अरुण प्रकाश की 19 वर्षीय बेटी मुस्कान का शव बुधवार रात्रि को बंद कमरे में फांसी से लटका मिला। इसकी जानकारी होते ही परिवार के पैर तले जमीन खिसक गई। किसी तरह कमरे का दरवाजा तोड़कर जब परिजन अंदर पहुंचे तो देखा बेटी का शव पंखे से लटका हुआ था। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी को लेकर नरखी क्षेत्र के गांव बचगांव निवासी धर्मपाल पुत्र ओम प्रकाश के साथ चल रही थी। शादी तय होने के बाद लड़का पक्ष ने पहले दहेज में स्कूटी मांगी, चार पहिया गाड़ी मांग करने लगे हैं। मांग पूरी ना करने पर जब पिता ने असमर्थता जाहिर की तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। पिता के मुताबिक वर पक्ष के लोग मोबाइल पर उनकी बेटी से बात कर परेशान करते थे, इससे हाथ होकर उसने आत्महत्या कर ली है। किस तरह का मामला है, क्या देखिए, टापा कला थाना उत्तर में जो मुस्कान नाम की बच्ची थी 19 साल की थी, तो उसने संदिग्ध स्थितियों में अपनी जो फांसी ला के आत्महत्या कर लिया, तो उसके लिए हम जो भी आगे की विधिक कार्रवाई होगी वो करेंगे और शव को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।